क्या निमरित कौर अहलूवालिया ने प्रियंका चौधरी को माई ग्लैम कंपटीशन में हरा दिया है या फिर प्रियंका चौधरी माई ग्लैम कंपटीशन की विनर बन चुकी हैं? जी हां, आपको बता दें कि अब माई ग्लैम कंपटीशन का फाइनल रिजल्ट आ चुका है, जिसमें कौन जीता है और कौन हारा है, इससे जुड़ी एक लेटेस्ट और बड़ी खबर लेकर हम आपके सामने आ गए हैं। क्योंकि माई ग्लैम कंपटीशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपटीशन है, जिसमें जनता अपने अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को वोट कर रही है। ऐसे में जो इस कॉन्टेस्ट में विनर होगा, काफी चांसेस हैं कि वो कंटेस्टेंट सीधा सीधा बिग बॉस के फिनाले में भी पहुंचने वाला है। ऐसे में आखिर कौन है विनर और कौन इस कॉन्टेस्ट को हार गया है? प्रियंका चौधरी कौन से नंबर पर है? निमरित कौर अहलूवालिया कौन से नंबर पर है? चलिए आपको बताते हैं। लेकिन इससे पहले, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी के निशान को जरूर दबा दें। आपको बता दें कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिग बॉस सीजन 16 के पहले ही हफ्ते से माई ग्लैम कंपटीशन चल रहा है, जिसमें हर एक कंटेस्टेंट को जनता वोट करती है और जनता सपोर्ट करती है। ऐसे में आपको बता दें कि आज माई ग्लैम कंपटीशन का पूरा फाइनल रिजल्ट आ चुका है, जिसे सुनने के बाद आप काफी ज्यादा हैरान होने वाले हैं, क्योंकि आपने सोचा भी नहीं होगा कि वो कंटेस्टेंट माई ग्लैम का विनर बन जाएगा। ऐसे में आपको बता दें कि पहले ही हफ्ते से प्रियंका चौधरी इकलौती ऐसी कंटेस्टेंट थी जो हमेशा नंबर वन पर आ रही थी, दूसरे नंबर पर निमरित कौर अहलूवालिया आती थी, तीसरे पर सुंबुल आती थी। लेकिन अब आपको बता दें कि इसमें बहुत बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। खबरों की माने कि प्रियंका चौधरी ने निमरित कौर अहलूवालिया को इस कॉन्टेस्ट में हरा दिया है। लेकिन हम आपको बता दें कि अभी तक ऐसी कोई भी खबर सामने नहीं आई है कि माई ग्लैम ने अपना पूरा का पूरा रिजल्ट पोस्ट कर दिया हो। अभी तक माई ग्लैम ने अपनी ऑफिशियल साइट पर इसका रिजल्ट पोस्ट नहीं किया है, जिससे अभी तक ये साबित नहीं हो पाया है कि प्रियंका चौधरी विनर बनी है या फिर निमरित कौर अहलूवालिया विनर बनी है। आपको बता दें कि इससे पहले जो माई ग्लैम का रिजल्ट आया था, उसमें निमरित कौर अहलूवालिया प्रियंका को पछाड़कर नंबर वन पर थी और प्रियंका चौधरी दूसरे नंबर पर थी। ऐसे में अब जैसे ही ये रिजल्ट आएगा तो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि निमरित कौर अहलूवालिया ये कॉन्टेस्ट जीती हैं या फिर प्रियंका चौधरी जीती हैं। बात करें अगर सुंबुल टोगर खान की, तो सुंबुल चौथे नंबर पर हैं, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ 7% वोट मिल रहे हैं, और तीसरे नंबर पर सुंदरिया शर्मा हैं, जिन्होंने सुंबुल को पछाड़कर तीसरा नंबर हथिया लिया है और उन्हें 8% वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। बारी आती है पहले और दूसरे नंबर की, तो पहले और दूसरे पर या तो प्रियंका चौधरी होने वाली है या फिर निमरित कौर अहलूवालिया होने वाली है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि माई ग्लैम कंपटीशन प्रियंका चौधरी जीतेगी या फिर निमरित कौर अहलूवालिया? हमें कमेंट करें और बिग बॉस से जुड़ी हर एक लेटेस्ट न्यूज के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।